दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूपीआई आईडी को कैसे क्रिएट करेंगे। कोई अगर आप यूपीआई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं और यूपीआई अकाउंट डिलीट भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दोनों टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और एक एक करके देखते हैं कि यूपीआई आईडी को कैसे क्रिएट किया जाता है और अंततः उसको कैसे डिलीट भी किया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डिलीट करने का इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे यूपीआई यूजर होते हैं जो दो तीन यूपीआई अकाउंट क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन अंत में उसको डिलीट करना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा किसी भी कारणवश परेशानी का सामना करते होंगे तभी वो डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि दोनों कंबाइंड मतलब वीडियो करके एक ही में बना दिया जाए कि यूपीआई कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे डिलीट किया जाता है। तो चलिए इसके चलते हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे अकाउंट को क्रिएट किया जाता है किसी यूपीआई आईडी को और कैसे डिलीट किया जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी यूपीआई अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप चाहे मोबीक्विक या फ्रीचार्ज या अमेज़ॉन का अकाउंट यूज करते हैं तो उस मोबाइल नंबर का रजिस्टर वहां पे होना अनिवार्य है क्योंकि आप जिस भी यूपीआई अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जिस भी ऐप में लॉगिन किए होंगे उस मोबाइल नंबर का और आपके बैंक अकाउंट रजिस्टर मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फ्रीचार्ज अकाउंट पे और यहाँ पे हम नीचे में राइट साइड कॉर्नर पर देखें तो माय प्रोफाइल का ऑप्शन है, उसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे से देखेंगे दूसरे नंबर पे आपको लिखा हुआ है भीम यूपीआई सेटिंग और बगल में लिखा हुआ है लिंक अकाउंट। आप जैसे ही उस ऑप्शन को टैप करेंगे यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का नाम सेलेक्ट करना है, आपका जिस भी अकाउंट से में खाता है तो आप उस बैंक अकाउंट का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेता हूं और जैसे ही मैं इस नाम को सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटेड जो है मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल अकाउंट लिंक विथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक आर एडेड सक्सेसफुली, यहाँ की अकाउंट ऐड कर दिया गया है यूपीआई के लिए और आप अब चाहें तो किसी को भी किसी अकाउंट पर पैसा भेज सकते हैं, अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को या किसी भी यूपीआई आईडी पर पैसा भेज सकते हैं इस अकाउंट से। आपका अकाउंट अब लिंक कर दिया गया है यूपीआई से। तो ऐसा सिंपल स्टेप था, आप इस स्टेप्स को फॉलो करके चाहे आप अमेज़ॉन का यूपीआई बनाना चाहते हो या फ़ोनपे का यूपीआई आईडी बनाना चाहते हो या फ्रीचार्ज का, जैसा आपने देखा कोई भी यूपीआई आईडी बनाने का यही तरीका है। आप सिंपल से भीम यूपीआई सेटिंग्स और लिंक अकाउंट के ऑप्शन का सेलेक्ट कीजिए और यूपीआई आईडी क्रिएट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने हमने कैसे यूपीआई आईडी क्रिएट किया और हम यूपीआई आईडी डिलीट करना चाहते हैं तो सेम वैसे ही अकाउंट वाले ऑप्शंस पर जाएंगे और अकाउंट वाले ऑप्शंस पर जैसा ही जाएंगे तो आपको नीचे से दो नंबर पर देखिए आपको भीम यूपीआई सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखलाई दे रहा है, उस पर आप टैप करेंगे। आप जैसे ही उस पर टैप करेंगे तो आपको टॉप में जो ऑप्शन आपको दिखलाई दे रहा है यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन, उस पर आप टैप करेंगे। आप जैसे ही उस पर आप टैप करेंगे आपका जो है बैंक अकाउंट का नाम वहाँ पर शो करने लगेगा और ऊपर में थ्री बार पे राइट साइड में कॉर्नर पे आपको टैप करना होगा। अब जैसे ही उस पर टैप करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखलाई दे रहा है देखिए डिलीट बैंक अकाउंट का। अब जैसे ही डिलीट बैंक अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक आपका बैंक अकाउंट का नाम शो कर रहा है और बगल में देखिए एक सर्कल आपको आया हुआ है, उस पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब नीचे में आपको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट बैंक अकाउंट, आपसे फिर कन्फर्म करवाएगा तो आप कन्फर्म करेंगे और आप ये आपका बैंक अकाउंट डिलीट हो चुका है और आपका अकाउंट जो है हट चुका है यहाँ से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों ट्रिक जान लिए होंगे कि यूपीआई आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो का लाइक जरूर से कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए अन्य वीडियो में नए अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।